त्रिभुज के तीन भुजाओं की तरह एक और छोटी सी भुजा है जिसका नाम है नीतीश कुमार। अंतिम प्रयास है, अगर ये प्रयास विफल हो गया तो फिर बिहार को तो बाकी पार्टियां तो छोड़ ही दी है हॉट पोटैटो की तरह, क्योंकि बिहार का लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बिहार जितना नीचे जा चुका है वहां से उठाया गया। तो 2024 और 2025 में आपकी क्या भूमिका होगी, आपके जो संगठन है उसकी क्या भूमिका होगी? उनको जनरल राज का भय लगा रहता है और इसीलिए वो कमल के फूल को जो है सींचते रहते हैं ताकि जनरल राज ना आ जाए। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार और इस देश की राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र बिंदु में बिहार है। 18 तारीख को दो बैठकें होंगी, लेकिन तीसरी जो बैठक है वो अभी तक इनविजिबल है। दो बैठकों में एक तरफ जहां इंडिया का गठन हुआ, वहां लंबे समय से चला आ रहा है एनडीए अपने पुनर्वे को समेटने में लगा हुआ था। कभी याद कीजिए आप, अटल जी के समय में करीब 3 दर्जन से ज्यादा दल हुआ करते थे। एक बार फिर से 38 दलों के शामिल होने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो वही 26 दलों के शामिल होने का दावा इंडिया ने भी किया। इंडिया का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक नया गठबंधन है। देश की राजनीति में जहां एक तरफ से राष्ट्रवाद की एक नई धारा चल निकली है, वहीं एक शख्स अलग से एक मसाल लेकर के चल रहा है जो समाज को जगा रहा है। अगर समाज मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद भी जीवित रहेगा। हमारे साथ सच्चिदानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महागठबंधन, यानी दोनों ही गठबंधन को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, लेकिन अक्सर अपने बयानों में ये दोनों ही गठबंधन को कोट करते हैं, टारगेट करते हैं। एक नई धारा को लेकर के निकले हैं, एक छोटा सा दिया लेकर के निकले हैं जिसे मसाल बनाना है, जनसुराज। प्रशांत किशोर को आप जानते होंगे, जिन्होंने कई राजनीतिक घरानों को पहचान दिलाई है। खुद पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ छोड़ करके बिहार में आकर के उन्होंने 10 साल का एक कार्यक्रम बनाया। क्या है कार्यक्रम, कैसे बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा, इन सारी बातों पर चर्चा उनकी कोर टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सच्चिदानंद राय, इनसे हम जानना चाहेंगे। अक्सर आप इनको पीली गमछी में देखते हैं, और जब पीली गमछी में देखते हैं इसका मतलब है कि जन सुराज लाने का एक संकल्प है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों से आपका नाता रहा है, आपने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, अच्छे और बुरे दोनों पहलू देखे हैं आपने। आपने यहाँ तक देखा है कि आप एक मजबूत पार्टी के मजबूत सदस्य थे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो आपको भी किनारा कर दिया गया, लेकिन फिर भी आपने अपने उस जीत को नहीं छोड़ा जो आपको समाज को बेहतर बनाने की थी। एक बार फिर से आप उसी धारा में निकल चुके हैं, निर्दलीय आपने चुनाव जीता और उसके बाद से जनसुराज की कामना कर रहे हैं। आपका ये जनसुराज क्या करने जा रहा है? देखिए, पहले बता दूं कि मैं बहुत सारी पार्टियों में नहीं रहा हूं, देखा जरूर है, समझा जरूर। मैंने कहा था कि आपने बहुत सारी पार्टियों को करीब से देखा है। देखा है, सक्रिय दर्शक के रूप में मैं नीतीश जी की पार्टी के साथ था शुरू में, और वही बताया ना कि अच्छा बुरा, आपने कहा अच्छा भी देखा बुरा, अच्छा समझ कर गया था, अगर बुरा देखा तो छोड़ दिया। फिर एक नई पार्टी ज्वाइन किया, पुरानी पार्टी देखिए मेरे लिए नई, जो चाल चरित्र चेहरा क्लेम करती है कि हमारा अलग है, बदल के है, और प्रभावित हुआ मैं, लगा कि बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छी सोच वाली पार्टी है, अच्छी बातें करते हैं लोग। वहां गया रहा, धीरे 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 वहां भी निराशा हाथ लगी, जब आलोचना करने पर दबा दिया जाता था। सही, जनता की बात रखनी होगी तो सब कुछ जो है वो चमचागिरी के तरीके से नहीं रखा जाता, बिल्कुल कुछ आलोचना भी करनी पड़ेगी, अपनी समालोचना भी करना पड़ता है, आत्मालोचना भी करना पड़ता है अगर ऐसी बात होती है तो, जो कि मैं समझता हूँ कि हर नेता का कर्तव्य है। लेकिन इन दलों में इतना घमंड है और इतना ज्यादा, मैंने कहिए कि ऊपर में ही सारा कंट्रोल है पावर का, कि नीचे के लोग कुछ कर ही नहीं सकते। जनता तो हमको देखती है, जनता तो हमसे अपेक्षा रखती है, बिल्कुल निश्चित रूप से जो नेतृत्व है उस तक बात पहुंचाएंगे, और बात पहुंचाने वालों को पसंद नहीं किया जाता है। इन सारे दलों का लगभग एक ही हाल है। सही कहा आपने, हम सब दलों को हमने देख लिया है कि ये बिल्कुल मैंने परिवार केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक विकल्प के रूप में जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने जल सुराज प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहे हैं कि राजनीतिक दल नहीं बना है, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो स्वयं पद यात्रा कर रहे हैं, अपनी शुद्धता से पद यात्रा कर रहे हैं। रात में टेंट में रहते हैं, गर्मी में जब वो टेंट में लोगों का लगता है जैसे कि
तंदूर बन जाएगा, तंदूर की तरह ही। मतलब जहाँ राजनेता अपने ऐसी कमरे में से बैठ करके राजनीति करते हैं वहां वो ठीक उलट है, तंदूर है जी। मैंने वो आप ही समझ लीजिए कि तो मैं तो जाता हूँ वहां, दो घंटे बैठने पर लगता है कि डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और वो तपस्वी जो है उसमें रह रहे हैं जी, और पदयात्रा कर रहे हैं इस मौसम में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी। सड़कों की हालत, खासकर ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत अच्छी तो नहीं है, उस पर कर रहे हैं, चोट भी लगी उनको, उनको 50 दिन की पदयात्रा रोकनी भी पड़ गई क्योंकि लिगामेंट टियर हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो बिहार और बिहारियों के लिए तपस्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जैसे लोग इससे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े हैं, उनका स्लोगन ही है सही रूप, सही सोच और सामूहिक प्रयास। अर्थात नेतृत्व तो ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे अच्छे लोग आएंगे, समाज में जो सही लोग बच गए हैं उन सही लोगों को एकत्रित करना, और सोच का मतलब कि असली मुद्दों पर, जाति, मजहब, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, 56 इंची का सीना, तो छद्म सेकुलरिज्म, इन सब बातों पर नहीं, बच्चों के भविष्य, युवाओं के रोजगार पलायन को रोकना, किसानों की खुशहाली, महिला और बच्चों की सुरक्षा, ये जो विषय जो होने चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होना, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होना, इन सब चीजों के, इन मुद्दों पर इस सोच के साथ सही लोगों के लेकर सामूहिक प्रयास करके एक राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास हो रहा है। आपने अपनी आइडियोलॉजी तो बता दी, लगभग इसी आइडियोलॉजी पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना ओथ लेती हैं और इसी पर चलने के लिए जनता से वादा भी करती हैं, लेकिन कितना पूरा होता है आप बेहतर जानते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार की राजनीति है, देश की राजनीति को केंद्र में लेकर के चल रही है, नीतीश कुमार जी को कहा जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर देंगे, इन सारी बातों को अगर दरकिनार कर देते हैं हम, तो 2024 और 2025 में आपकी क्या भूमिका होगी, आपके जो संगठन है उसकी क्या भूमिका होगी, कि क्योंकि अंततः आपको आना तो उसी धारा में है जिस धारा से आप बदलाव ला सकते हैं। आपसे आपने कई बार कहा है कि 2024 नहीं 2025 हमारा टारगेट है, किस तरह से आप इन दोनों शक्तियों से अलग अपनी शक्ति बनाएंगे और तीसरा फ्रंट कैसे आपका काम करेगा? देखिए ऐसा है ना, घोषणा पत्र तो बनते हैं जी, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है। ये घोषणा पत्र को लेकर प्रचार नहीं होता, प्रचार होता है जाति को लेकर, प्रचार होता है मजहब को लेकर, प्रचार होता है मंदिर मस्जिद को लेकर, वैसे विषयों पर प्रचार होता है, वैसे विषयों पर लोग वोट भी करते हैं जी, वोट करते हैं जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर। इसे खास बता दूं मैं आपको, मुसलमान ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेम करते हैं राजनीति से, भाजपा को हराने के लिए राजनीति को वोट देते हैं। आप 32 वर्षों से लालटेन में किरासन तेल बन के जल रहे हैं ताकि भाजपा अपना जीत जाए। उसी तरह से जो जंगल राज के सताए हुए लोग हैं, मैं फॉरवर्ड कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत बेहतर आर्थिक रूप आर्थिक स्थिति वाले जो कम्युनिटीज हैं उनको जंगल राज का भय लगा रहता है, और इसीलिए वो कमल के फूल को जो है उसे छींचते रहते हैं ताकि जंगल राज ना आ जाए। लेकिन सबके बावजूद मिला हमको जंगल राज ही, क्योंकि त्रिभुज के तीन भुजाओं की तरह एक और छोटी सी भुजा है जिसका नाम है नीतीश कुमार, अब वो हमेशा दूसरे भुजा के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ के रहते हैं। पानी और तेल को एक साथ रखिएगा, तेल ऊपर जाता है, तेल की मात्रा कम हो या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पानी की मात्रा चाहे जितनी ज्यादा हो पानी को नीचे रहना है, तेल को ऊपर रहना है। नीतीश कुमार जी वो तेल है, जो पानी भारी मात्रा में पानी होते हुए भी चाहे आरजेडी का हो चाहे बीजेपी का हो हमेशा वो ऊपर रहते हैं, और इससे जंगल राज से मुक्ति हम लोग को मिली नहीं। 5 साल दिखाने के लिए 2005 से 2010 महसूस हुआ था, जिसका भारी जवाब देश 2010 में मिला और दिमाग खराब कर दिया नीतीश जी। तो बिहार में जो हो रहा है उसको बदलने की जरूरत है, उसमें कोई तीसरा मोर्चा नहीं चाहिए, इन सारे मोर्चों को उखाड़ कर फेंकना है और सही लोग, सही सोच वाले सही लोगों के सामूहिक प्रयास से एक नई व्यवस्था खड़ी करनी है, जनता का सुंदर राज बनाना है, यही जन स्वराज का ये है। हम कोई मोर्चा नहीं बनाने वाले, हम किसी से गठबंधन नहीं करने वाले। आपने कहा 24-25 जी, अभी आपने देखा होगा 23 में एक उपचुनाव हुआ हमारे, जहां हम पदयात्रा कर चुके थे या लगभग कंप्लीट करने वाले थे, हम तो उपचुनाव भी नहीं छोड़े। एमएलसी चुनाव की बात कर जी, एमएलसी चुनाव बात करता हूँ, और अभी कोई और उपचुनाव अगर आ जाएगा जहां हमारी पदयात्रा हो चुकी है तो करेंगे, लड़ेंगे। और जब 24 का चुनाव जो आ रहा है जी, जहां जहां पदयात्रा कर चुके होंगे वहां तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है, हालांकि इस पर आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए मेरे मत के रूप में आप जानते जी, जन स्वराज का अपना मत नहीं है, कि जहां जहां हमारा पदयात्रा कंप्लीट हो चुका होगा, संगठन का एक शेप आ गया होगा, वहां तो निश्चित रूप से हम कैंडिडेट देंगे ही देंगे। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर हमारा जो अग्रिम टीम ने काम कर लिया है,
कुछ संगठन भी बन गया है, कुछ यूथ क्लब भी बन रहे हैं या बन चुके हैं। उस समय हम एक उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। वो तो चुनाव भी दूर है, अगर महसूस होगा कि नहीं कुछ और सीटों पर भी जहां हमारी स्थिति अच्छी है तो हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, लेकिन शुद्ध रूप से लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे। कई लोग होते हैं चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि हमारा तरफ विस्तार हो जाए, प्रसार हो जाए, पार्टी बड़ी हो जाए। नहीं, हम वहां लड़ेंगे जहां हमें लगेगा कि जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। जीत की गारंटी नहीं दी जा सकती है, चुनाव के बिल्कुल दमी पाने के बाद उस पर भी हम अपना वक्तव्य आपको बताएंगे या प्रशांत जी स्वयं बताएंगे, ट्वीट करके बता देते हैं वो लोग जो स्थिति हो उनको महसूस होता है। लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि जहां भी चुनाव हम लड़ेंगे जो भी लड़ेगा हम ही से लड़ेगा। एक अंतिम सवाल मेरा है और ये काफी महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के बीच में बहुत छोटा सा एक लकीर है। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के प्रशांत किशोर जी के जो अब तक के कार्य हैं उसको देख करके आप और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत जी के साथ वो अति महत्वाकांक्षा से जुड़ रहे हैं? आप सांसद बनना चाहते हैं, आप विधायक बनना चाहते हैं, आप मंत्री बनना चाहते हैं, कहीं ये लक्ष्य तो आप लोगों का नहीं? देखिए ऐसा है, राजनीति में जब है तो सांसद विधायक और मंत्री बनना तो लक्ष्य है ही, कोई कहे कि नहीं है तो फिर झूठ बोल रहा है। अब मैं झूठा नहीं, उसके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन देखिएगा प्रशांत जी 2 मई को आप उन्होंने घोषणा किया इसके बारे में जी, और मेरा रिजल्ट 7 अप्रैल को हो चुका था जी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो मैं कम से कम 3 सप्ताह पहले तो मैं सदन का सदस्य बन चुका था जी, और आज अगर कोई दल ज्वाइन करता हूँ, कानून कहता है, देश का कानून कहता है कि मुझ पर दल बदल कानून का आरोप लगेगा और मुझे सदन से बाहर होना, सदस्यता से वंचित होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वो तो लक्ष्य नहीं है मेरा कि मैं एक हाथ में जहां सदस्य हूँ भी छोड़ दूं और भी एक नई पार्टी जिसके बारे में अभी आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं जीतेगा हारेगा, जमात से बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये नहीं, कन्विक्शन है जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें मैं पूरा कन्विंस्ड हूँ। महत्वाकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा मत कहिए, ये मैं कन्विंस्ड हूँ कि प्रशांत किशोर जी का जनसुराज अभियान जो चल रहा है ये बिहार के हित में है और ये अंतिम प्रयास है। अगर ये प्रयास विफल हो गया तो फिर बिहार को तो बाकी पार्टियां तो छोड़ ही दी है हॉट पोटैटो की तरह, क्योंकि बिहार का लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बिहार जितना नीचे जा चुका है अब वहां से उठाया नहीं जा सकता, तो बिहार को तो बस वोट मिलने के राज्य मजदूर पैदा करने का राज्य समझ के छोड़ दिया गया है। प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि नहीं, हम 10 वर्षों में अगर जी जनता ने विश्वास किया तो 10 वर्षों में हम 10 विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के का प्रयास करेंगे, यही लक्ष्य है। और ये इतना सुंदर सपना है, इतना मतलब सुहावना और सुनहरा सपना है कि इसके साथ हमारे जैसे लोगों को तो जुड़ ही जाना है ना। मैं जहां तक समझता हूँ कि जो भी सही लोग होंगे इस सपने के लिए जुड़ जाएंगे। सपना पूरा होगा नहीं पूरा होगा ये तो 25 के चुनाव बताएंगे, या हो सकता है 25 में ना हो सके तो उसके बाद के चुनाव बताएंगे, लेकिन ये सपना देखने की महत्वाकांक्षा तो है। चलिए, तो ये थे सच्चिदानंद राय जी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के बीच में एक कॉन्फिडेंस है उसको लेकर के इन्होंने कहा है। इनकी बातों में कितना दम है हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिखे गए शब्दों के आधार पर, बातों के आधार पर फिर इनसे इसी तरह की बातचीत होगी और सवाल कड़े पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।